आलोक पत्र में सरकार आने की बात कहकर के विपक्ष के जो नेता है वो कहते हैं कि इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, क्योंकि कांग्रेस की सोच रही है, ये इच्छाएं पूरी करते हैं। पहले भी आप लोगों ने इनका इतिहास देखा है, पूरे देश ने कांग्रेस का इतिहास देखा है। लोकसभा के अंदर जब इनकी सरकार कहीं इनको लगता था कि दिक्कत में है तो फिर ये कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी करते हुए घूमते थे। दिक्कतें किसी को होंगी, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है और इनकी इच्छा प्रदेश के लोग पूरी करने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के ऊपर विश्वास करते हैं कांग्रेस के लोग और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी विकास के ऊपर विश्वास करते हैं। आज पूरा प्रदेश भी देख रहा है, आज पूरा देश भी देख रहा है इन कांग्रेस के क्रियाकलापों को। जिस प्रकार से ये जनता की इच्छाओं को तो पूरा नहीं कर सकते, जनता के बीच में तो झूठ बोल करके उनको बरगलाने का काम करते हैं, परंतु इस प्रकार से ये भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं कि सरकार अल्पमत में है, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, मजबूती से सरकार काम कर रही है, भ्रष्टाचारियों को किसी प्रकार से बख्शने की जरूरत नहीं है। जो भी भ्रष्टाचारी है सरकार उनके ऊपर सख्त एक्शन, कड़े से सख्ताई से कार्रवाई करेगी।